हाय गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन देख रहे हैं पार्ट टू। आई होप आपने पार्ट वन देखा रहेगा, जिसमें मैंने टर्नओवर के बारे में डिस्कस किया था कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लेना है। अभी अपन बात करें कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से क्या क्या टर्नओवर लेना है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए वी नीड टू चेक लास्ट ईयर टर्नओवर। तो गाइस, लास्ट ईयर के टर्नओवर में सब कुछ चल सकता है। जो अपना एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जैसे लास्ट ईयर के टर्नओवर में मैंने इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऐड किया है, बट इस साल अगर मैं इंटरेस्ट रेट सप्लाई करता हूँ तो मैं स्कीम में एलिजिबल नहीं होगा। तो टेक्निकली अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में रहना है तो ये चार ही सप्लाई कर सकते हैं। कौन से? टैक्सल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सल सप्लाई ऑफ सर्विस, नील रिलेटेड एंड ओनली एग्जेम्प्ट। तो अगेन आई रिपीट, लास्ट ईयर के टर्नओवर में आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं, इवन इंटरेस्ट रेट सप्लाई। बट अगर इस साल आपको स्कीम में आना है तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई बंद करना पड़ेगा। अभी आप लॉजिकली बताओ, कोई बिजनेसमैन स्कीम में आने के लिए उसका सप्लाई बंद करेगा क्या? तो अदर वे आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते कि ये चार चीजों को ही पकड़ना है। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहे, तो आप स्कीम में आ नहीं सकते। ठीक है, एंट्री ले सकते हैं, बट आप सर्वे ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सप्लाई करना अलाउड नहीं है। तो इसको अपन थोड़ा समराइज करते हैं, देखो आपको समझा कि नहीं। So, जैसे अपन देखा था ये वीडियो, ये अपन देखा था लास्ट लेक्चर में, ये जो अपना टर्नओवर है ये लास्ट ईयर का है पहले वीडियो में। तो ये है लास्ट ईयर टर्नओवर। तो लास्ट ईयर के टर्नओवर में सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो फिर अगर आपने इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो क्या क्या बचेगा फिर? ये चार चीजें बचेगी। कौन सी? टैक्सल सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस अप टू 10%, एग्जाम में नील रेटेड एंड ओनली एग्जाम। ये चार ही इस साल आपका कंसिडर करना है। अगर ये चार छोड़ के अगर आपने इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया, आपने स्पेसिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर किए, आप CTP हो, NRDP हो, आपने ISO के थ्रू गुड्स सप्लाई किए, तो आपको स्कीम से इमीजिएटली बाहर जाना पड़ेगा। तो एग्जाम में लिखते समय आपको एकदम सही तरह से लिखना है। तो अगर मैं भी बात करता हूं कंपोजिशन स्कीम की, तो करंट फाइनेंशियल का जो टर्नओवर है तो सर इसमें क्या क्या ऐड होगा? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस, होली एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड। टेक्निकली चार सप्लाई ही आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया तो आप स्कीम से बाहर निकल जाओगे। तो लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट चलेगा, बट इस साल अगर आपने ने इंटरेस्ट रेट किया तो आपको स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा। तो काफी बुक्स में आपको अलग अलग आंसर दिखेंगे, है ना? तो आपको सोच समझ के आंसर लिखना है, क्योंकि दो तरह से लोग आंसर लिखते हैं। देखो कैसे, पहला आंसर होगा लास्ट ईयर आपने इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया है इसलिए इस साल आप एलिजिबल नहीं हो। और कुछ बुक्स में आपको ऐसा दिखेगा कि लास्ट ईयर के टर्न में सब कुछ चलेगा, करंट ईयर तुम स्कीम में आ सकते हो बट तुम इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इफ यू लुक एट फ्रॉम करंट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, ये चार ही सप्लाई तुम कर सकते हो। अगर ये छोड़ के तुम कोई और सप्लाई करने वाले हो, जैसे तुम इंटरेस्ट रेट सप्लाई करने वाले हो, थ्रू ECO सप्लाई करने वाले हो, तुम स्पेसिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाले हो, बराबर है, तुम CTP हो, तुम NRDP हो, तुम नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करने वाले हो, तो फिर आप स्कीम में एलिजिबल नहीं हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब इसमें तीन लोग आते हैं, मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रेडर। तो मैन्युफैक्चर के लिए सब कुछ लेना है, सर्विस प्रोवाइडर भी सब पे टैक्स देगा, लेकिन जो ट्रेडर है वो एग्जम सप्लाई पे टैक्स नहीं देगा, वो खाली टैक्सेबल सप्लाई पे टैक्स देगा, है ना? ट्रेडर विल पे टैक्स ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई पे टैक्स नहीं देगा। उसके टर्नओवर में ऐड होगा, यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है, टर्नओवर में सब कुछ ऐड होगा लेकिन जब वो टैक्स देगा तब आपको खाली एग्जाम में टैक्सेबल सप्लाई पे टैक्स देना है। एंड रेट तो आप सबको पता है, मैन्युफैक्चरिंग रेट 1%,
ये सर्विस कौन सा है? रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। चलो मैं लिखता हूं, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। एंड तीसरा है ट्रेडर, ट्रेडर के लिए दो ही चीजों पे। तो ये है अपना स्कीम 10-1। 10-2A के बाद में करेंगे, जिसके लिए 50 का लिमिट। अभी मैं 10-1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जाम में लिखते समय क्लैरिटी होना चाहिए। तो क्या करना है एग्जाम में, लास्ट से कटर में सब कुछ चलेगा, इंटरेस्ट रेट सप्लाई भी चलेगा। अगर वो 1.5 करोड़ के अंदर है, 75 के अंदर है, तो एग्जाम में आप क्या लिखना है कि वो स्कीम में आ सकता है, बट ही कैन नॉट डू इंटरेस्ट रेट सप्लाई। तो अभी बताओ, एज अ बिजनेसमैन सोचो, गिव मी प्रैक्टिकल आंसर, एज अ बिजनेसमैन आप आपका सप्लाई बंद कर दोगे क्या स्कीम में आने के लिए? नहीं करोगे ना। तो व्हाट इज द राइट आंसर यू शुड राइट, कि वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसने लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया, वो एलिजिबल नहीं है। एंड अगर वो आना चाहता है तो उसको वो सप्लाई बंद करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे यू गोइंग टू राइट, बिकॉज इसके रिगार्डिंग अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर है। कोई आंसर गलत नहीं है, बट हर एक का एजम्पशन अलग है। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि दोनों एजम्पशन में फर्क क्या है। एंड और एक चीज, टर्नओवर में नहीं लेना, आपको एक्सक्लूड करना है। कौन सा बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको कंसिडर नहीं करना है, ना लास्ट ईयर में लेना है मतलब लास्ट ईयर जो अपन लिमिट निकालते 1.5 करोड़ 75 लाख उसके लिए भी इग्नोर करना है, जो करंट ईयर लिमिट निकालते अपन 1.5 करोड़ 75 उसके लिए भी इग्नोर करना है। एंड इसको और एक जगह पे एक्सक्लूड करना है, बताओ कौन सा? जो अपन निकालते ना मार्जिनल लिमिट फॉर सर्विस, उसके लिए भी हटाना है। क्योंकि अपन इस साल कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लास्ट ईयर का टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच इज हायर, तो उस टर्नओवर में नहीं लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1.5 करोड़ 75 के लिए भी नहीं लेना है, और जो अपन सर्विस का लिमिट निकालते हैं 10% उसके लिए भी नहीं लेना है। तो ये सब चीजें अगर आपको याद रहेगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान होगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा। बट बिफोर दैट, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, एंड हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड कॉमेंट करना है। इफ यू वॉन्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।